हमें जब ये इस शॉल की बात आ रही थी तो इन्होंने बताया कि ये जो पट्टिका है ये बांस से बनी हुई है। अब मैं आधा मिनट के लिए मैं घबरा गया कि पट्टिका की कौन सी बात, पर अचानक याद आया कि ये शॉल की, इस दुपट्टे की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये शब्द सुन के अपने सागर यूनिवर्सिटी का एक वाकया याद आ गया। हम लोगों का एक हिंदी दिवस के दिन साहब कार्यक्रम था, मंत्री जी आए हुए थे। अब मंत्री जी चले आ रहे, तो मंत्री जी के साथ में हर आदमी को, कार्यकर्ता हो या सरकारी अधिकारी हो, हर आदमी उनसे चिटक के चलता, और बेचारे मंत्री जी की हालत ऐसी होती कि वो फुटबॉल के जैसे ऑटोमेटिक मोड पे वो मंच की तरफ पहुंच जाते हैं, और अगर उन्होंने एक गिलास पानी मांगा तो उनके एकदम से 10 गिलास पानी आ जाते हैं, और आपस में गिलास लड़ जाते हैं, कभी कभी कुर्ता भी गीला हो जाता है। फिर उस कुर्ते को सुखाने की होड़ मच जाती है, 10-25 आदमी कोई फूंक से कोई निचोड़ के, उस जुआ लटकी में कभी कभी कुर्ता भी पड़ जाता है, ऐसा घटित हुआ। पंडित जब अपने नेताजी जो होते हैं वो बेचारे बिल्कुल एक नवजात शिशु की भांति, सिर्फ किलकारी के अलावा और उनके हिस्से में और कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही हुआ कि अचानक वो चढ़े और उन्होंने वयोवृद्ध एक शिक्षक को बैठे हुए देखा, तो अपने और उनके साथ पूरा रेला चढ़ा जा रहा था साहब मंच के ऊपर, चिपका हुआ बिल्कुल, और उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपना मूड बदला और मंच पर चढ़ते चढ़ते वो उतरे। अब पीछे वाली पोर्शन को नहीं पता था कि ये पार्टी पूरी बदल जाएगी, वो पीछे वाले आगे आ रहे थे, आगे वाले पीछे जा रहे थे, और टकराहट हो गई और भड़बड़ाहट में एक के ऊपर एक गद्दम फद्दा मच गई, सब गिरे गिराए। उस झूमा झटकी में उनकी चप्पल जो थी, जो उन्होंने मंच का सम्मान करने के लिए नीचे उतारी थी, एक गिर गई, गुम गई कहीं। तो एक कार्यकर्ता को मौका मिल गया, तो उसने कहा, अरे भैया की चप्पल हरा गई, चप्पल हरा गई, भैया की चप्पल ढूंढो, चप्पल ढूंढो एकदम से। और जहां जैसी चप्पल गुम गई, ये घोषणा हुई, तो अब यूनिवर्सिटी विभाग को मौका मिला अपनी तत्परता दिखाने का। तो पट से जो मंच पर आए, हमारे एक प्रोफेसर थे, उनको ये सौंपा गया था, और उन्होंने आते ही साथ कहा कि श्वेत श्याम पट्टिकाओं से निर्मित चर्म युक्त जो चरण पादिकाएं, जिसे हमारे माननीय अतिथि दक्षिण चरण में धारण करते हैं, किसी के पद कंदुक की भांति किसी के पद प्रहार से वो मंचाधार के शून्य में लुप्त हो गई है, तो आप सब लोगों से निवेदन है कि वो अपने चरम चक्षुओं के माध्यम से उसके संधान में सहयोग प्रदान करें। हम लोगों को लगा कि कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो हमने अभिनंदन बता लिए। मंत्री जी का दिमाग खराब हो गया, बोले आए, बोले कि शनि चप्पल का घूमना मतलब शनि का उतरना होता है, समझे? लेकिन शनि सिर्फ उतरते नहीं है, वो उतर के किसी पर चढ़ जाते। तो आज हमसे उतरे और तुम्हारे ऊपर चढ़ गए, और तुमको तत्काल प्रभाव के साथ सस्पेंड किया जाता है। अरे भाषा संवाद के लिए होती है, तुम खामोखा में मतलब मुझे प्रभावित करने के लिए इतनी सरस भाषा है, बोले तुम साफ साफ नहीं कह सकते कि मेरी चमड़े की चप्पल गुम गई है, उसको ढूंढने में मदद करो। तुम कह रहे कि मतलब श्वेत श्याम पट्टिकाओं से युक्त चर्म निर्मित चप्पलें जो दक्षिण चरण में धारण करते। तो ऐसा ही मुझे लगा पट्टिका, पट्टिका कह पट्टिका के कई कृपा किस्म की चीज होती है। भैया ये गमछा की बात कर रहे, ये जो गमछा है ये बांस के धागों से बना हुआ गमछा है, जो बहुत सुंदर है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।